एक जमाना था जब स्मार्टफोन को अनलॉक करने के लिए पैटर्न या पिन या पासवर्ड डालना पड़ता था और उसके बाद आगे फिंगरप्रिंट स्कैनर। और आज की डेट में बात कर रहे थे जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है ना, आपको 6-7 हजार रुपए के फोन में भी देखने को मिल जाता है। तो अब बात करते हैं कि कितने अलग अलग टाइप के फिंगरप्रिंट स्कैनर होते हैं और वो कैसे काम करते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो जितने भी फिंगरप्रिंट स्कैनर होते हैं ना, सबका जो बेसिक काम है ना वो एक ही है, आपके फिंगरप्रिंट को स्कैन करके फोन के अंदर रिस्टोर करना। और जब भी आप अपनी फिंगर को दोबारा से स्कैनर पे लगाओगे तो उसकी दोबारा से फोटो लेके पुरानी वाली फोटोग्राफ से दोबारा से कंपेयर करना, यानी कि आपके फिंगरप्रिंट को स्टोर करके नए वाले फिंगरप्रिंट को उससे मैच करना। तो अगर हम नॉर्मली फिंगरप्रिंट की बात करें तो उसके अंदर आपको रिजेस और लाइंस देखने को मिलती है, यानी कि आपको काफी सारे अलग अलग डिजाइन और पैटर्न देखने को मिलते हैं आपकी फिंगरप्रिंट के अंदर। और यही जो पैटर्न होता है ना, ये हर इंसान का अलग होता है और इसी पैटर्न को फिंगरप्रिंट स्कैनर फोन के अंदर स्टोर करता है, जिससे उस फोन को सिर्फ तभी अनलॉक किया जा सके जिस आदमी का फिंगरप्रिंट जब उसे मिलेगा। तो देखा जाए तो ये चीज इस तरीके से काम करती है। और फिंगरप्रिंट को सिर्फ इसीलिए लिया जाता है क्योंकि हर इंसान का जो फिंगरप्रिंट है वो अलग होता है, जब तक कि वो ट्विंस ना हो। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो फिंगरप्रिंट है ना, वो बायोमेट्रिक सिक्योरिटी का सबसे एक अच्छा एग्जांपल बन जाता है। और अगर हम फिंगरप्रिंट स्कैनर्स की बात करें तो इस लिस्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर की। ये आपको OnePlus 60 में भी देखने को मिलता है। अगर हम ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर के बारे में बात करें तो उसके अंदर एक लाइट का यूज किया जाता है, यानी कि फोन के ऊपर का जो डिस्प्ले है वो 100% इंटेंसिटी से लाइट अप हो जाता है। और उसके बाद फोन के नीचे एक सेंसर लगा होता है जो कि एक इमेज सेंसर होता है, कुछ केसेस में एक कैमरा भी होता है। और जब आपका फोन की जो स्क्रीन है वो लाइट अप हो जाती है और आपकी फिंगरप्रिंट से जो लाइट रेज जो टकरा के वापस सेंसर के ऊपर आती है, तो उससे आपके फोन की एक 2D इमेज को बना लिया जाता है। और उस 2D इमेज के ऊपर जो फोन के अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो ये पता लगाता है कि उसके अंदर कि आपकी जो फिंगरप्रिंट की जो इमेजेस के अंदर जो लाइंस है और जो रिजेस है वो कहां कहां पर है, और आपकी जो फिंगरप्रिंट का जो पैटर्न है ना वो रियलिटी में है कैसा। और इसी 2D इमेज को आपके फोन के अंदर स्टोर करके रखा जाता है। और जब भी आप फोन के फिंगरप्रिंट स्कैन पर दोबारा से अपनी फिंगर लगाते हो तो उसे दोबारा से स्कैन कर लिया जाता है और बाद में जो पुरानी इमेज है ना उससे मैच करा जाता है। तो देखा जाए तो चीज उस तरीके से काम करती है। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे सबसे पहले तो एक 2D पिक्चर को लिया जाता है फोन के अंदर, और ऊपर से अगर आपके फिंगरप्रिंट के किसी ने हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफ ले ली तो उस चीज का भी यूज करके आपके फिंगरप्रिंट को आसानी से अनलॉक किया जा सकता है। और जनरली बात करें तो इसमें लाइट का यूज हो रहा है तो टेक्निकली थोड़ी सी ज्यादा फास्ट हो जाता है। और जनरली देखा जाए तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट जितने भी आते हैं ना, उसमें से थोड़ा सा ज्यादा फास्ट जो है ना वो भी ऑप्टिकल इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर ही है। लेकिन अगर हम ओवरऑल सिक्योरिटी की बात करें तो वो उसमें अच्छे से काम नहीं करता। और अगर आपके फोन की स्क्रीन के ऊपर क्रैक वगैरह या कुछ भी आ गया तो आपकी जो फिंगरप्रिंट स्कैनिंग की जो कैपेबिलिटी है फोन की वो भी चली जाएगी। और अगर आपके हाथ थोड़े गीले वगैरह भी हो गए तो भी आपके फोन को अच्छे से अनलॉक भी नहीं कर पाता। और इसके बाद बात करते हैं कैपेसिटिव फिंगरप्रिंट स्कैनर की, यानी कि एक फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है जो आपको ज्यादा से ज्यादा फोन्स में देखने को मिलता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि कैपेसिटिव फिंगरप्रिंट स्कैनर के अंदर आपको छोटे छोटे कैपेसिटर सर्किट्स देखने को मिलते हैं, यानी कि जब भी आप अपनी उंगली को किसी भी कैपेसिटिव फिंगरप्रिंट स्कैनर पे प्लेस करते हो जो कि फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है, तो उसमें से छोटे छोटे जो इलेक्ट्रिक चार्जेस है ना वो फ्लो होते हैं और वो आपकी जो उंगली के जो रिजेस और जो वैलीज होती है, यानी कि जो छोटे छोटे डिजाइन के जो पैटर्न्स हैं आपकी फिंगर के अंदर, उनसे रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाते हैं। और इसी तरीके से आपका जो फिंगरप्रिंट है ना उसे रजिस्टर किया जाता है। लेकिन ये देखा जाए तो टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करना काफी ज्यादा आसान है और ये चीज तब अच्छे से काम नहीं करती जब आपकी जो उंगलियां हैं वो गीली हों। तो अगर आपने अपनी उंगली को गीला कर रखा है तो इलेक्ट्रिक चार्जेस अच्छे से फ्लो नहीं कर पाएंगे और आपका जो फिंगरप्रिंट है ना वो अच्छे से स्टोर नहीं हो पाएगा। तो ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो ये ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर से ज्यादा सिक्योर है, क्योंकि इसे आप किसी फोटोग्राफ या फिर किसी प्रोस्थेटिक वगैरह से बेवकूफ नहीं बना सकते हो और आपके अपने फोन को बायपास नहीं कर सकते हो। और ऑप्टिकल के कंपैरिजन में और ज्यादा फास्ट हो जाता है और इसको इंप्लीमेंट करना भी सस्ता है। इसलिए जो फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर है ना, ये आपको ज्यादा से ज्यादा फोन्स में देखने को मिलता है। और इसके बाद बारी आती है अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर की। और अभी के समय में आपको गैलेक्सी S10 में फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है और देखा जाए तो काफी ज्यादा नई टेक्नोलॉजी है क्योंकि इसके अंदर अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज किया जाता है। एक्चुअली में देखा जाए तो इसके दो पार्ट होते हैं, यानी कि अल्ट्रासोनिक ट्रांसमीटर होता है और एक अल्ट्रासोनिक रिसीवर होता है। तो जब भी आप अपनी उंगली स्क्रीन के ऊपर प्लेस करते हो तो जो अल्ट्रासोनिक ट्रांसमीटर है वो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं उन्हें प्रोड्यूस करेगा और वो आपकी फिंगर से टकरा के दोबारा से रिफ्लेक्ट होंगी और वो रिफ्लेक्ट होके जाएंगी अल्ट्रासोनिक रिसीवर पे। और जहां पर जब अल्ट्रासोनिक रिसीवर आपके फिंगरप्रिंट का जो डेटा लेगा तो उससे वो आपकी फिंगरप्रिंट का एक 3D मॉडल बनाता है
ऑप्टिकल में 2D मॉडल बनाया जाता था, यहाँ पे बनाया जाता है 3D मॉडल। और ये जो 3D मॉडल होगा ना, ये आपकी फिंगरप्रिंट का होगा, और इससे पता चलेगा कि आपके फिंगरप्रिंट के अंदर कहाँ रिजेस हैं, कहाँ वैलीज हैं, कैसी लाइंस और क्या पैटर्न है, और उस 3D इमेज को अपने फोन के अंदर स्टोर रखेगा। और जब भी आप दोबारा से अपने फिंगरप्रिंट को स्क्रीन के ऊपर ले जाओगे तो ये आसानी से स्कैन कर लेगा और पता लगा लेगा कि ये फिंगरप्रिंट आपका है या नहीं है। और अच्छी बात इसकी है कि ये 3D बेस्ड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, तो इसे आप अच्छी फोटोग्राफ से बेवकूफ नहीं बना सकते, यानी कि इसकी जो सिक्योरिटी का लेवल है वो काफी ज्यादा अच्छा है। ऊपर से पानी के अंदर भी काम करता है, लेकिन देखा जाए तो काफी ज्यादा नई टेक्नोलॉजी है और ये अभी धीरे धीरे स्लो है। लेकिन आने वाले टाइम में जिस तरीके से हार्डवेयर बढ़ेगा और जो सॉफ्टवेयर में जो इम्प्रूवमेंट होंगे ना, तो डेफिनेटली ये कैपेसिटिव फिंगरप्रिंट स्कैनर की जगह ले सकता है। और अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर धीरे धीरे शायद एक नॉर्मल कैपेसिटिव फिंगरप्रिंट स्कैनर जितना भी फास्ट हो सकता है। और इसी के साथ ही जो बात करें, जब भी आपका जो फिंगरप्रिंट लिया जाता है ना, तो वो फोन के अंदर स्टोर किया जाता है। कई बार फोन के अंदर एक डेडिकेटेड IC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट होता है जो कि आपके फिंगरप्रिंट को स्टोर करता है। और बात करें तो क्वालकॉम के प्रोसेसर के अंदर आपको ट्रस्टेड एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट मिलता है, यानी कि TEE, यानी एक छोटी सी चिप आपके प्रोसेसर के अंदर ही है जो केवल आपके फिंगरप्रिंट के डेटा को स्टोर करने के लिए बनाई गई है। और ऐसे ही एप्पल के डिवाइसेस के अंदर आपको एक सिक्योर इनक्लेव देखने को मिलता है जहां पर आपका जो फिंगरप्रिंट है ना वो ही स्टोर किया जाता है। तो अच्छी बात यह कि जब भी आप अपने फिंगरप्रिंट को स्कैन करते हैं तो वो आपका फोन के अंदर ही स्टोर किया जाता है, उसे जो फोन है ना वो बाहर किसी के साथ शेयर नहीं करता, और कोई भी जो एप्लीकेशन वगैरह है ना वो भी उसे एक्सेस करके बाहर किसी के साथ शेयर नहीं करती है। तो ये सिक्योरिटी के मामले में देखा जाए तो एक काफी अच्छी चीज है। तो देखा जाए तो अभी ये सिर्फ 3 टाइप की फिंगरप्रिंट स्कैनर है, और आने वाले समय में हो सकता है हमें और दूसरे टाइप की टेक्नोलॉजीज हमें फिंगरप्रिंट स्कैनिंग की दुनिया में देखने को मिले, तो ये चीज भी पॉसिबल हो सकती है फ्यूचर में। बाकी आप लोगों के फोन में कौन सा फिंगरप्रिंट स्कैनर है, बात नीचे कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलना। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।